देश की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती सांगवान। देश की आवाज में आज का जो मुद्दा है वो थोड़ा अलग है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया है कि गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है और पानी और सड़कों की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो कई इलाकों में अभी भी पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जनता बेहाल है। आज इसी मुद्दे पर आप बोलिए हल्ला, अपने गाँव शहर के हालातों के बारे में जिम्मेदारों से कीजिए सवाल। क्या गांव में मिल रही है 24 घंटे बिजली? क्या हर गांव में मिल रहा है पीने का पानी? गांव में सड़कों की स्थिति में कितनी सुधार की गुंजाइश है और कितना सुधार अभी तक हो चुका है? सीएम के दावे आखिर कितने सही हैं? आपके गांव के हालात कैसे हैं? ये तमाम सवाल आपके सामने हैं। और आज का मुद्दा है कि जिस तरीके से सीएम ने दावा किया है कि हरियाणा में स्थिति में सुधार हुआ है, बिजली पानी और तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए सीएम ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने सुधार किया है और गांव और शहर सुधर रहे हैं। गांव में बिजली मिल रही है, सड़कों में सुधार हुआ है, पानी की व्यवस्था दुरुस्त की गई है, तो इन दावों में कितनी सच्चाई है और एक हरियाणा का नागरिक होने के नाते आपको क्या लगता है? आप इन दावों से कितना मुतमईन है, कितना आप इस राय से इत्तफाक रखते हैं कि जिस तरीके से सीएम ने कहा है कि हालात में सुधार हुए हैं, बिजली पानी सड़कें इनकी व्यवस्था दुरुस्त की गई है, क्या आप इस राय से इत्तफाक रखते हैं या आपकी राय इस मामले में मुख्तलिफ है? क्या है हालात, क्या है आपके आसपास के गांव के या आपके अपने गांव के हालात? क्या आपको बिजली मिल रही है? क्या आपके गांव तक जाने वाली सड़क को पक्का कर दिया गया है या फिर वो सड़कें जो कहीं कहीं से टूटी हुई थी, जिनमें गड्ढे थे, क्या उनकी मरम्मत हो गई है? क्या आपके गांव में, क्या आपके शहर में, आपके मोहल्ले में वक्त पर पानी आ रहा है? गर्मी का मौसम है और कई जगहों पर लोग पानी की शिकायत लेकर सामने आ रहे हैं, जगह जगह पानी की किल्लत है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सीएम ने दावे किए हैं कि हालात में सुधार हुआ है। देश की आवाज में आज का सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर है, क्या हर गांव को मिल रहा है पानी? क्या गांव की सड़कों की स्थिति सुधरी है? सीएम के दावों से आप कितना इत्तफाक रखते हैं? क्या ये दावे सही हैं? आपके गांव में कैसे हैं हालात? तो देश की आवाज में तमाम मुद्दे आपके सामने हैं। हमें कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए और बताइए कि आपके गांव में हालात कैसे हैं। क्या हर गांव में मिल रहा है पीने का पानी? क्या आप सीएम के दावे के बारे में क्या राय रखते हैं? तो सीएम के दावे से आप कितना इत्तफाक रखते हैं, हमें कॉल करें। तो बलदेव सिरसा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बलदेव जी, सीएम ने दावा किया है कि बिजली पानी और सड़कें दुरुस्त हुई हैं, क्या राय है आपकी इस मामले में? बिल्कुल गलत है जी। सीएम साहब तो झूठे दावे पेश करने में माहिर हैं और इसके अलावा ये राजकुमार सैनी जी उस पर चल पड़े हैं कि जाटों को ये अलग थलग करने में इनका मीडिया भी सहयोग दे रहा है। जब चौटाला साहब ने एक आम लोगों की कही तो रोज ये हो रहा है, जब इन्होंने सीएम साहब ने उसके भूपेंद्र हुड्डा को बिगड़ेल जुआई कहा तो आपके किसी चैनल ने ये नहीं उठाया भाई इसने कितना गलत किया, उस सासू के ऊपर कितना असर पड़ा होगा जिसकी सारे हिंदू दुनिया में उसने उसके जुआई की बेइज्जती की, उसका आपके चैनल ने कभी ये नहीं उठाया भाई ये सीएम मनोहर लाल ने क्यों कहा। ये सिर्फ एक जाटों के प्रति मीडिया भी गलत वो कर रहा है कि जाट का बच्चा कोई कुछ कह देता है तो उसको ये ऊपर चढ़ा देते हैं, जबकि दूसरी कौम के बारे में अगर कोई कुछ जाटों के बारे में कहे तो कुछ नहीं कहा जाता। जब सीएम ने उसको बिगड़ेल जुआई कहा तो आपके चैनल और चैनल कहाँ थे, क्यों नहीं उसके बारे में ये कहा गया? अभी जिसने एक बेइज्जती की है, राजनीतिक तौर पर तो और भी बहुत बातें होती हैं जो सीएम साहब कह सकते थे। हालांकि मैं चौटाला साहब का समर्थक हूँ, मैं कि भूपेंद्र हुड्डा का, पर जब आप चौटाला साहब के लिए बार बार ये चैनल उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं ये बात? सिर्फ इसलिए कि ये एक जाट है और राजकुमार सैनी जी ये बात लेके सीएम साहब चल रहे हैं। कोई गांव में कोई काम नहीं हुआ, ये सिर्फ शहरों में काम कर रहे हैं और शहरों की राजनीति कर रहे हैं और शहरों में भी अपनी पंजाबी बिरादरी के लिए काम कर रहे हैं, न कि और किसी के लिए।
जिसका उदाहरण देता हूँ कि जो पंचायत की जमीन, जो ये सरकारी जमीनों पर उनके कब्जे थे, वो इन्होंने कुछ रेट पर इनको दे दिए, जबकि और बाकी उसका कुछ नहीं किया। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अपनी राय दीजिए, हमें कॉल कीजिए, हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रहा है। एक और कॉलर है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंद्रप्रकाश हैं। जी चंद्रप्रकाश जी, कुरुक्षेत्र से एक कॉलर हैं। क्या लगता है आपको, सीएम ने दावा किया है कि हरियाणा में हालातों में सुधार हुआ है, क्या राय है आपकी इस मामले में? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बलदेव जी बयान दे रहे हैं, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, उनसे सहमत नहीं हूँ। ये हमेशा जब भी बात करते हैं, हमेशा जाटों की बात करते हैं। एक जाति संप्रदाय के बारे में बोलना ये न्याय संगत बात नहीं है। आप किसी के भी समर्थक हो सकते हैं, आपको पूर्ण अधिकार है। आप टेलीविजन पर बोलते हैं तो आप बिल्कुल अधिकार के साथ बोलिए, परंतु दूसरी जाति को नीचा दिखाना ये बलदेव जी की फितरत है। ये मैंने प्राय कर देखा है, पंजाबी समाज के ऊपर हमेशा ही अटैक करते हैं। खैर, ये इनकी भावना है, जागी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। परंतु जहां तक मैं आपके के मुद्दे का सवाल है, तो श्री मनोहर लाल खट्टर ने तो वो काम करके दिखा दिया जो मैं 65 वर्ष का हूँ, बुजुर्ग आदमी हूँ, जो आज तक मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में। कितने ही आगे भूपेंद्र सिंह जी भी आए और भी कई मुख्यमंत्री आए, किसी ने हरियाणा के बारे में नहीं सोचा। इन्होंने 36 कौम को एक साथ लिया और इनका वाक्य एक है कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक। तो उसमें जाट कहाँ से आ गई, या ब्राह्मण कहाँ से आ गई, या मोची कहाँ से आ गए, तो ये तो इनकी अपनी अपनी राजनीति है। जहां तक पानी का सवाल है, पूरे गांव में पानी की सप्लाई 24 घंटे हो, बिजली की सप्लाई 24 घंटे हो रही है, और पानी सुबह 5 बजे से और 8 बजे तक, और फिर शाम को जो है 4 बजे से लेकर के रात के 7 बजे तक पानी की सप्लाई, पूर्ण सप्लाई आ रही है गाँवों में। सड़कें फर्स्ट क्लास है। अब झूठे जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि हरियाणा नंबर वन, और अगर जो हरियाणा नंबर वन होता तो फिर वो हारे क्यों? सवाल इस चीज का है कि आप झूठी राजनीति मत करिए। जिस प्रकार से बलदेव जी कहते हैं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है बलदेव जी से कि इस प्रकार से एक जाति धर्म संप्रदाय के खिलाफ बोलना, और खास तौर पे पंजाबी समाज के खिलाफ ये बोलते हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ऐसी कभी भी किसी के मन को ठेस पहुंचे ऐसी भावना का प्रयोग, ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रप्रकाश जी अपनी राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। एक और कॉलर है पठानकोट से, अजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरीके से सीएम ने बयान दिया है कि हरियाणा में हालात पहले से दुरुस्त हुए हैं, बिजली पानी की समस्याओं में सुधार हुआ है, क्या राय है आपकी इस मामले में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले जी। देखिए, ऐसा है कि हो सकता है हुआ हो, मैं इस बात को नहीं कहूंगा कि नहीं हुआ होगा। हो सकता है कि ये बिजली पानी में सुधार हुआ होगा, क्योंकि ये तो जो हरियाणा में रहते हैं वो ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। बाकी जो अभी चंद्रप्रकाश जी कह रहे थे, बिल्कुल सही है उनकी बात कि किसी खास संप्रदाय पे अटैक करना बिल्कुल सही बात नहीं है। और ये जो भद्दी पॉलिटिक्स होती है, ये सिर्फ आपस में लड़वाने वाली होती है, ये कभी नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं तो उस गवर्नमेंट को सही मानूंगा, चाहे वो खट्टर की गवर्नमेंट हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हो, चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला की हो, किसी की भी हो। जब तक हमारे प्रदेश में, चाहे वो पंजाब प्रदेश हो, चाहे वो हिंदुस्तान में कोई भी एरिया हो, जब तक कानून व्यवस्था में सुधार नहीं आता, तब तक मुझे नहीं लगता है कि किसी भी चीज में। बाकी हाँ, जो बिजली पानी की मेन मूलभूत जो सुविधाएं हैं, उनमें सुधार होना बहुत ही जरूरी है। पर इसके साथ साथ हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है, ग्राउंड जीरो पे आके उसका भी सुधार होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। गाजियाबाद से मनोहर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मनोहर जी, सीएम का एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि प्रदेश में हालात में सुधार हुआ है, बिजली पानी की व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई है, क्या राय है आपकी इस मामले में? पानी की व्यवस्था को तो अक्सर आपका चैनल ये दिखाता है कि पानी की कमी आ रही है, चुनाव से पहले भी दिखाया था। हाँ, बिजली की व्यवस्था में हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा सुधार हुआ है। वो तो मोदी सरकार की स्कीम चली रही थी कि उसमें मतलब सुधार हुआ है, लेकिन पानी की व्यवस्था में इससे सुधार नहीं। जो पानी की कमी है गुड़गांव में या कहीं हरियाणा में, तो अंडरग्राउंड वाटर वैसे ही नीचे चला गया है, और पानी का इतना दोहन भी हो रहा है। और दूसरा, कांग्रेसी 70 साल की नीति जैसे आए, वो राहुल गांधी और चाहे संदीप चौधरी, उनकी नीति अच्छी नहीं थी, लेकिन अब बिजली व्यवस्था में सुधरा हुआ है। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, तो बलदेव जी कहते हैं कि अभी जाटों और पंजाबियों के बारे में, तो पंजाबियों को सबसे ज्यादा कांग्रेस ने मारा सिक्किम में, और जाटों में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने बदाम भरा खाप पंचायत के नाम पे, कि ऐसे वैसे लड़कियों को दबाया जाता है, कहा जाता है। अब खाप पंचायत जाटों की लड़कियां ऊपर उठ रही है, तो मोदी सरकार कर रही है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। एक और कॉलर है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेम है चेन्नई से। जी प्रेम जी, जिस तरीके से अब सीएम का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बिजली पानी की समस्याओं में अब सुधार हुआ है, सड़कें भी पहले से बेहतर हैं, क्या कहेंगे आप इस मामले में? मैडम मैं तो कह रहा हूँ, कल आप दिखा रहे थे कि खट्टर साहब साइकिल से चल रहे हैं तो सड़कों में कहीं साइकिल हिली नहीं, इसका मतलब सड़कें तो बहुत फल्ले खान बनी हुई है। रही पानी की बात, पानी की बात आपका चैनल रोज दिखा रहा है कितनी बड़ी किल्लत है पीने का पानी, सरकारी कार्यालयों में नहीं है, तो क्या खट्टर साहब को ये मालूम नहीं है उन्होंने कैसे ये बयान दे दिया कि पानी की गांव तक में कोई नहीं है? शहरों में जहां सरकारी कार्यालय है वहां पानी नहीं है, तो पानी की कमी तो बहुत है। रही बात बिजली की, वो खट्टर साहब को कहीं पसीना ही नहीं आता है, तो बिजली पूरी है सब जगह, इसलिए मेरी समझ में तो इन्होंने जो बयान दिए हैं वो आधे अधूरे और वैसे बयान दिए हैं। बाकी रही इनकी जो काम है कि कहते हैं कि कुछ सुधार हुआ, कुछ सुधार तो हर सरकार करती है, अपने पूरा सुधार करके दिखाए तब माना जाए ना इनको, खाली वोट लेने से थोड़ी होता है। आगे वोट आने वाले हैं, आगे इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए ये सब बातें कह रहे हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, करने में क्या है, करने में कुछ नहीं है। और जनता भी आजकल खाली एक मुफ्त में जो चीजें मिलती है इसलिए वोट देते हैं इनको, किसानों को वो दे दिया उसको वो कर दिया इसलिए वोट मिल जाते हैं, ये चल रहा है खाली। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। और इस वक्त हिसार से राजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी राजेंद्र जी, जिस तरीके से सीएम का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि हरियाणा में अब मूलभूत सुविधाओं के लिए काफी सुधार किया गया है, सड़कें गांव तक बनाई गई है, काफी अच्छी बनाई गई है, बिजली पानी की कोई समस्या नहीं है, क्या राय है आपकी इस मामले में? हेलो जी बताइए, क्या राय है आपकी? हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए अपनी राय। हाँ जी खट्टर साहब सही कह रहे हैं, काम तो अच्छा किया है इन्होंने, जी गांव में गलियां बनाई वगैरह बनाई, सड़कें वगैरह बनाई, काम तो अच्छे किए हैं, लेकिन एक सिस्टम ये गलत कर रखा है जी। मतलब जैसे कि हमने बसें ले रखी है, प्राइवेट बसें हैं, 25-25 लाख रुपए खड़े कर रखे हैं, घर पे खड़ी है 1.5 साल से जी। तो इनको बोलो जरा, प्लीज रिक्वेस्ट है कि परिवहन मंत्री को ये बोलो कि आज आदेश दिए हैं 21 से 27 रुपए किलोमीटर तक चलाए, लेकिन उन गाड़ियों को पासिंग तो करवा दो जी। ये रिक्वेस्ट कर दो कि इनको गाड़ियों को पासिंग करवा दो जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। ओम प्रकाश और झज्जर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक दर्शक है। जी ओम प्रकाश जी, सीएम का एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि प्रदेश में हालात में सुधार हुआ है, मूलभूत सुविधाओं में सुधार हुआ है, बिजली पानी की समस्याएं दूर कर दी गई है, क्या राय है आपके इस मामले में? जी उन तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो हेलो जी बताइए अपनी राय, बताइए क्या राय है आपकी? हाँ जी मैं, मेरा गांव भिंडावा से सर जी, मेरे गांव में 20 दिन से पानी की इतनी दिक्कत आई हुई है कि परेशानी, दिल ऐसा करता है कि कहीं मर जाऊं। इतना गर्मी का महीना 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाने के बाद में आज हमको पानी नहीं मिल रहा, हमारी क्या दुर्दशा होगी? टीवी पर और कागजों में कह देते हैं कि काम हमने पूरा कर दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। और आप विभाग के लोगों से बात कीजिए, जो आपका महकमा है जिसके अंदर अगर बात की जाए जल व्यवस्था है, उनसे बात कीजिए और जरूर आपकी समस्या वो लोग सुनेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। एक दर्शक थे और इनकी शिकायत है कि इनके गाँव में 20 दिन से पानी नहीं आया है। एक कॉलर है मंडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर नेगी हैं। जी नेगी जी, जिस तरीके से सीएम का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि हरियाणा में मूलभूत सुविधाओं में सुधार हुआ है, बिजली पानी की समस्याओं से अब गाँव के लोग दो चार नहीं हो रहे और गाँव तक पक्की सड़कें बनाई गई है, कितना सच आप इस दावे को मानते हैं, क्या राय है आपके इस मामले में? मैडम जी नमस्कार। बेसिकली मैडम ये समस्या सिर्फ हरियाणा की नहीं है, पूरे देश की और भी ज्यादा खराब स्थिति है। हरियाणा हिमालय के साथ है, पंजाब साथ है, हिमाचल से पानी दुनिया भर का जाता है, पाकिस्तान तक पानी जाता है, लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक कंस्ट्रक्टिव ऐसा काम नहीं किया जो पाकिस्तान में हमारा पानी बेच जा रहा है, उस पानी को क्यों ना पंजाब हरियाणा राजस्थान की तरफ मोड़ा जाए, क्यों सिंध जेल हमारे सतलुज ब्यास का पानी जो है पाकिस्तान को जाता है। आप हर बार पाकिस्तान से युद्ध की बात करते हैं, आप सीधा सिर्फ पानी के युद्ध की बात कीजिए और इसके युद्ध स्तर पर इसको काम शुरू कीजिए, जैसे वाजपेयी जी का मास्टर प्लान था। और अगर कोई सरकार बिजली पानी सड़क स्वास्थ्य कानून व्यवस्था को अगर बरकरार नहीं रख सकती तो उन सरकारों से क्या उम्मीद की जाए? 70 साल में अगर आप पानी नहीं लोगों को मुहैया करवा सकते, 20-20 दिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, स्थिति हिमाचल में भी कमोबेश ऐसी है जो हमारे निचले वाले क्षेत्र है, तो क्यों नहीं आप इन सारे नदी नालों का पानी जो बरसात का बाढ़ का पानी इसको रोकने का कोई मास्टर प्लान बनाते? और मैडम
जब तक ये सरकारें ये कहेंगी कि हम जनता की अदालत, जनता की अदालत में क्या होता है, जनता की अदालत में आपने कब बिजली पानी सड़क स्वास्थ्य के नाम पर इलेक्शन लड़ा, आपने धर्म जात के ऊपर इलेक्शन लड़ा, आपने लोगों को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के ऊपर चुनाव जीते हैं, चाहे पिछली सरकारें थी चाहे आज की सरकारें हैं, कैसे कहूं कि मुल्क के हालात बदले हैं, जुल्म जो करते थे वो सिर्फ हाथ बदले हैं, तुम सब कहते थे कि बदल दूंगा सब कुछ, एक बार आने तो दो, किसी का कुछ नहीं बदला, सिर्फ तुम्हारे ठाठ बाठ बदले हैं। जय हिंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। इस वक्त एक और कॉलर है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम सचदेवा हैं कुरुक्षेत्र से। जी राम सचदेवा जी, जिस तरीके से अब सीएम का बयान सामने आया है कि हरियाणा में मूलभूत सुविधाओं के हालात बदले हैं, गांव गांव तक बिजली पहुंची है, पानी की समस्या को दुरुस्त किया गया है, इस पर आप क्या राय रखते हैं? नमस्कार जी, नमस्कार, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तरफ तो हम कहते हैं कि हरियाणा में अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, सर अपराध तो अपराधी को सजा दे ना दे वो उनकी मर्जी, लेकिन पानी और बिजली तो बिल्कुल, जब पानी नहीं बिजली नहीं होगी तो पानी कैसे होगा? सुबह से लेकर अब पानी, अब बिजली आई है 5 बजे, अब बिजली आई है, अब बताओ गर्मी के मौसम में हर चीज की मुश्किल होती है, हर चीज की मुश्किल होती है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था, वायदा तरफ वायदा, वायदे पे ही मारा गया वोटर सीधा साधा, जो इन्होंने वायदे किए थे बिजली पे मिलेगी, पानी मिलेगा, चलो मतलब पानी तो चलो एक एक कदर एक एक बूंद करके घड़ा भर जाता है, पानी के अगर बचाव हो जाए तो मैं जनता से अपील कर जाता हूँ, वो सबसे अच्छा है, पानी के तो हो सकती है, लेकिन बिजली जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, और गर्मी में मौसम में इतना मुश्किल हो जाता है, सबसे ज्यादा मुश्किल बिजली की है, और बिजली के बिना एक मिनट भी गुजारा नहीं था। सरकार चाहे पहले किसी की भी सरकार, मैं बताया था 73 साल की उम्र में मैं भी बहुत, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये मतलब इनेलो के ओपी चौटाला जी ने ये बातें कही हैं, अगर राजनेता अगर ऐसे से बातें करेंगे तो वो सरकार कैसे चलेगी, वो कैसे वो होगा? नमस्कार, जय जय भारत, धन्यवाद। सबसे लास्ट में यह कहना चाहता हूँ, मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, इस गर्मी में अगर एक एक बूंद पानी की इकट्ठी करें तो भी घड़ा भर जाता जी, है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। और इस भिवानी से राष्ट्रवादी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राष्ट्रवादी जी, जिस तरीके से सीएम ने बयान दिया है कि हरियाणा में मूलभूत सुविधाओं में सुधार किया गया है, बिजली पानी की समस्या से गांव के लोगों को निजात मिली है, क्या राय है आपके इस मामले में? नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए। ये तो एक सत्य है जी, कुछ तो सुधार हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं, परंतु जितना सुधार होना चाहिए था उतना सुधार नहीं हुआ है। आज हम औद्योगिक युग में, नए युग में पहुंच चुके हैं, बिजली की समस्या 100% खत्म की जा सकती है, सूर्य देवता आज बिजली की समस्या खत्म करने के लिए पर्याप्त संसाधन दे सकता है, पानी की व्यवस्था में भारी बदलाव किया जा सकता है, खासकर स्कूलों हॉस्पिटलों में इनकी छतों का पानी इकट्ठा करके गंगा से दिया जा सकता है, इसके लिए नियत चाहिए। और ये बार बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री महोदय के पास में लिखा जा चुका है कि हमें इस प्रकार करना होगा, और काम करने से बनेगा, वायदे करने से नहीं बनेगा। इन्होंने पक्की सड़कों की कही थी कि हम किसानों की पक्की सड़क करेंगे, उसके बारे में एक भी कदम नहीं उठाया है, जबकि इन्होंने टीवी पर तो बयान दे दिया था, ये सुझाव मैंने इनको दिया था कि किसान भी देश का नागरिक है, उसको चर चर किले दूर से अपनी फसल लेके आनी पड़ती है, तो उसके साथ ऐसा क्यों? क्या ये सड़कें संपन्न लोगों के लिए है? किसान के बारे में इन्होंने अच्छा वो बनाया था, परंतु अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और मैं आशा करूंगा सीएम की नीयत बढ़िया है, देश हरियाणा के लिए व्यवस्थाएं अच्छी करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, और करना तो सरकार को है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। और सर राजेंद्र है हिसार से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजेंद्र जी, सीएम ने दावा किया है कि मूलभूत सुविधाएं हरियाणा में सुधारी गई हैं, बिजली पानी की समस्या से अब गांव के लोगों को दो चार नहीं होना पड़ रहा, क्या राय है आपके इस मामले में? जी बताइए। हाँ जी, ये तो सही कह रहे हैं जी, वैसे 70% से 80% सुधार है जी, बताऊँ आप पहले से पानी से भी, लाइट से वगैरह में भी, गांव के अंदर गलियों में भी जी ये सुधार है जी, जी। काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी रखे हैं जैसे कि हमारे अपने हरियाणा से लगा लो, अपने हरियाणा में कुछ बसें ऐसे करी है जिसे रूट नंबर मिल गए हैं, परमिट वगैरह मिल गए हैं, लेकिन वो डेढ़ साल से खड़ी है, 25-25 लाख रुपए की बसें खड़ी है जी, बिल्कुल सरकार को परिवहन मंत्री ने ये प्रक्रिया
परिवहन मंत्री ने कहा है कि चलाओ उन बसों को, लेकिन उनकी पासिंग तो बर्बाद होगी, मतलब डेढ़ पासिंग कराएंगे तो 1.5 लाख रुपया पड़ेगा सफर कर्जा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये रिक्वेस्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात भी पहुंचनी चाहिए सरकार तक और सरकार को अपने नागरिकों का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए एक और कॉलर है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योगेश हैं। जी योगेश जी, जिस तरीके से सीएम का बयान सामने आया है, सीएम ने कहा है कि हरियाणा में बिजली पानी की समस्या से लोगों को निजात मिली है, सड़कें भी पहले से दुरुस्त हुई है, क्या राय है आपके इस मामले में? मैडम जी, जी नमस्कार, बताइए जी। मैडम जी, ऐसे तो बात नहीं है कि भाई अगर काम नहीं हुए तो काम हुए हैं, अच्छे हुए हैं काम। ये नहीं कहते कि भी हर बार कोई किसी चीज पर गलत दोष दिया जाए वैसे करा जाए, लेकिन हुए हैं काम, अच्छे हुए हैं। लेकिन जो काम होने चाहिए थे उस गति से काम नहीं हुए हैं। जैसे आपके टीवी पे ही कई बार दिखाया गया कि लोगों के पास ना तो पानी है, पानी में कई बार खराबी भी आ रही है। और जहां तक आप इस बेल्ट में चले जाओ, ये असंध वाली लाइन में चले जाओ, कैथल वाली के साइड, ये नरवाणा साइड में चले जाओ, सिंह पाथरी की तरफ चले जाओ, गुहाना की साइड में चले जाओ, एक दिन के लिए, बस एक दिन के लिए सुबेरे 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रह के आ जाओ, आपको ये पता लग जाएगा लाइट कितनी बंद आ रही है। लोगों के पास इतनी लाइट आ रही है कि वो लाइट भी बंद कर देते हैं ना, कि वो लाइट बार बार लट्टू में से बाहर निकल के इतनी बार आ रही है, बड़ी मुश्किल से रोक रहे हैं। मैडम इतनी लाइट मत दो, और पानी तो इतना पवित्र साफ आ रहा है कि भाई उसको छानने वो मशीनें लगी होती है ना घरों में, बड़े बड़े शहरों में लगी होती है, उसकी भी लगाने की जरूरत नहीं, इतनी साफ आ रही है। मैडम कौन सी किस चीज दुनिया में जी रहे हैं कि मैडम कह दिया हो गया है, आप कौन विकसित रहस्थल पे आप भी जाते हो, कहीं पे जाते हो, गांव में जाते हो, कहीं प्रॉपर गांव में जाके देखो कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है। सुबह 7 बजे लाइट जाती है, शाम को 4 बजे लाइट आती है, रात को 7 बजे फिर भागती है लाइट, 10 बजे रात को फिर आती है गाँवों में। कौन सा विकास हो गया, पिछले सरकारों से भी ज्यादा सत्यानाश कर दिया उन्होंने। हाँ सड़कें हैं, सड़कों को काम होने लग रहा है, बिल्कुल ठीक होने लग रहा है, कानून व्यवस्था खराब हुई पड़ी है मैडम, ऐसी कोई वो नहीं है बिल्कुल भी। कहने में तो क्या, मैं भी कह दूं आपके कुबी को, कह दूं मैडम जी आप कल ने बहुत बढ़िया काम करा है, इसमें कहने में क्या है मैडम, लेकिन रात्र पे तो नहीं दिख रहा ना कुछ। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को हमारे साथ साझा करने के, योगेश थे करनाल से। और इन्हें कुछ शिकायत है कि इनके गांव में बिजली सुबह 7 बजे चली जाती है, तो ये सीएम से चाहते हैं कि इनके गांव में भी बिजली का प्रबंध किया जाए। राकेश है गुरुग्राम से इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राकेश जी, सीएम ने दावा किया है कि हरियाणा में मूलभूत सुविधाओं में सुधार हुआ है, अब लोगों को बिजली पानी ठीक से मिल रहा है और सड़कों को भी सुधारा गया है, क्या राय है आपकी इस मामले में? जी हाँ जी, राय तो ये है जी। हेलो जी बताइए। हेलो जी बताइए, क्या राय है आपकी? शायद इन तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आज का सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर है। सीएम ने दावा किया है कि हरियाणा में मूलभूत सुविधाओं में सुधार हुआ है, हर गांव में पीने का पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, क्या है आपके गांव के हालात, क्या आपके गांव में भी बिजली पानी की व्यवस्था दुरुस्त है या अभी भी कहीं सुधार की गुंजाइश है? हमें कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए और बताइए कि क्या आपको लगता है सीएम के दावे सही हैं या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी सुधार की गुंजाइश हरियाणा में बाकी है। सीएम ने दावा किया है कि गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है, पानी की व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है, टूटी हुई सड़कों को ठीक किया गया है, क्या गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है, क्या गांव के लोगों को पीने का साफ पानी मिल पा रहा है, तमाम सवाल हमारे टीवी स्क्रीन पर हैं। भिवानी से शंकर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शंकर, सीएम ने दावा किया है कि हरियाणा में बिजली पानी की व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है, क्या राय है आपकी इस मामले में? जी मैम बिल्कुल सही बोला है सीएम जी ने। जी बताइए। बीजेपी सरकार से पहले हमारे गांव में बिल्कुल बिजली नहीं आती थी, अब गांव में 24 घंटे बिजली है और पानी की भी सुविधा है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। ये शंकर थे भिवानी से और इन्हें लगता है कि सरकार ने काफी अच्छा काम किया है क्योंकि इनके गांव में अब बिजली आ रही है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है कि उनके गांव में सुबह से ही बिजली चली जाती है, रात को कुछ देर के लिए बिजली आती है जिससे वो काफी परेशान है, पीने का साफ पानी भी उनके गाँव में नसीब नहीं हो रहा। तो सीएम साहब से उनकी दरख्वास्त है कि उनके गाँव की भी सुध ली जाए। तो आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है, हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रहा है। देश की आवाज में कीजिए हमें कॉल और दीजिए अपनी राय। पप्पू इस वक्त हरियाणा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पप्पू जी, जिस तरीके से सीएम मनोहर लाल ने दावा किया है कि हरियाणा में मूलभूत सुविधाओं में सुधार किया गया है, बिजली पानी अच्छे से लोगों को मिल रही है, क्या दावा आप सच मानते हैं, क्या राय है आपकी? मेरी ये राय है जी, खट्टर साहब ये एक बढ़िया मुख्यमंत्री है, बढ़िया मुख्यमंत्री जब मानेंगे इनको कि भी एक तो पूरे हरियाणा का सम्मान
पानी जो बंटवारा है ना वो कर दो। हमारा गांव राजस्थान के लगता है तुषाम के पास पड़ता है जी, खरकड़ी झामरी गांव है। इधर पानी जो लगाना फिल्टर ये दो तीन जो नहरें आती है ना, एक एक महीने पानी नहीं आता है। यहाँ बिजली की कटौती होती है पूरी, मतलब जब इनको मुख्यमंत्री सही मानने में सही मानेंगे कि भाई और नहीं तो समान बंटवारा कर दो। एक भाई ने भी ये बात कहा था कि भाई ये जो है ना पाकिस्तान के साथ लड़ाई, ये जो पानी का जो मुद्दा है ना, मेन मुद्दा है पानी। हरियाणा में सवाईल का जो पानी का मुद्दा है वो पानी ला दो। पूरा हरियाणा जो है ना, ये जो जिस तरह पूरा हरियाणा भी नहीं मान के चलो, जो दक्षिण हरियाणा है जिस तरह भिवानी है, मंदरगढ़ है, दादरी है, बैल है, शिवानी है, तोसाम है, यहाँ हम पानी के बगैर इतना बुरा हाल हो रहा है हमारा, मैं कुछ नहीं। मैं तो एक ही बात कहूंगा खट्टर साहब को कि भाई खट्टर साहब आप इतने बढ़िया मुख्यमंत्री हो गए तो आप पूरे हरियाणा को एक समान तर देखो और ये पानी लाओ किसी तरह। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपनी राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज जिस तरीके से हमने मुद्दा उठाया है देश की आवाज में, और इस मुद्दे के बाद कई लोगों ने हमें कॉल किया और उन्हें लगता है कि हाँ पहले से सुधार हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी और सुधार की गुंजाइश नहीं है। कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी बिजली नहीं पहुंची है और लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। तो लोगों की सीएम से यही दरख्वास्त है कि उनके गाँव की भी सुध ली जाए और हर गाँव तक बिजली पानी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।